आगामी त्योहारों को देखते हुए निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा भारी पुलिस बल के साथ किया गया फ्लैग मार्च। जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा कस्बा पन्ना में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों का भ्रमण करते हुए पुलिस जवानों को ब्रीफ किया गया। सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के लिए स्थानीय नागरिक, निवासियों और दुकानदारों को समझाइश भी दी गई, जिससे यातायात सुगम बन सके। इस दौरान फ्लैग मार्च ड्रोन कैमरा से पन्ना शहर में भी सर्वे किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई, साथ ही लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए पंपलेट वितरित किए गए। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरुण कुमार सोनी, रक्षक निरीक्षक देविका सिंह बघेल, थाना प्रभारी यातायात अमरदास कनारे सहित करीब 100 पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आम जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग होली मनाएं, सुरक्षित तरीके से मनाएं। पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात है और आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हम आम जनता में विश्वास बहाली करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमको सुरक्षा का भरोसा भी देते हैं। लेकिन आम जनता से यह भी अपील करते हैं कि कृपया करके, अभी कोरोना गया नहीं है और ये देखने में आ रहा है कि सभी लोग मास्क लगाना बंद करते हैं, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। कृपया करके सभी लोग मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एकत्रित ना हो, साथ ही साथ होली के समय ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, जिससे कि दो पक्षों में या दो समुदायों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। आप सभी से शांति की अपील करते हैं, साथ ही साथ यह भी भरोसा देते हैं कि जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी पन्ना पुलिस सदैव आपके साथ। आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किए गए पैम्फलेट के माध्यम से हम लोगों को साइबर सुरक्षा के संबंध में भी जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि साइबर सुरक्षा रखने के लिए क्या करें और क्या ना करें। साथ ही साथ पन्ना पुलिस के द्वारा हाल के दिनों में साइबर अपराध बढ़ा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सभी लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। लेवल पे यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि उसके साथ में अवैध वसूली की घटना हो, और यदि ऐसी कहीं भी घटना प्रकाश में आएगी तो तत्काल संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा और संबंधित थाना क्षेत्र की टीम के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।